श्रद्धालु दोनों के आने की संभावना है, तो उसी लिहाज से उसी दृष्टिकोण से तैयारियों को भी बहुत ही उच्च स्तर का बनाया जा रहा है। तो उसी आलोक में जिले के सभी अधिकारीगणों के साथ आज विस्तृत समीक्षा बैठक हो गई। पुलिस पदाधिकारीगण, मेले के जो धार्मिक न्यास समिति के सदस्यगण हैं वह और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट चाहे वो पेयजल स्वच्छता विभाग हो गया, नगर निगम, अग्निशामन, सभी के साथ बैठक हुई और विस्तार से हर एक बिंदुओं पर चर्चा हुई और कैसे कैसे उन सभी की जिम्मेवारियों का निर्वहन किया जाएगा उसके बारे में सबको अवगत करा दिया गया। कहाँ कहाँ पे वाश टावर्स बनाए जाएंगे, कहाँ कहाँ पे पेयजल की व्यवस्था की जाएगी, कहाँ कहाँ पे बिजली की व्यवस्था की जाएगी, कहाँ मोरम और छाई को बिछाया जाना है, कहाँ कहाँ पे चिकित्सक और एम्बुलेंस को लगाया जाएगा, कहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगी रहेंगी, तो चलंत शौचालय को भी कई जगहों पे इंस्टॉल किया जाएगा। प्रयास ये चल रहा है कि बायो टॉयलेट भी कुछ एक संख्या में हम लोग इस बार से शुरू करें, जिसमें कि रख रखाव में कोई बहुत ज़्यादा व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मांस मछली तथा शराब के विक्रय पर मेला क्षेत्र में रोक रहेगी। यातायात व्यवस्था चारों तरफ से निर्धारित किया जाएगा और भारी वाहनों का प्रवेश भी इस एरिया में बंद रहेगा। विभिन्न वाहनों के लिए भी पासेस जारी किए जाएंगे। विभिन्न समितियों के स्वयंसेवक लोग भी स्वयं यहाँ वॉलंटरी सेवाएं देते हैं, उनके लिए भी पास जारी किए जाएंगे। सुरक्षा बलों की तैनाती पूरे मेला परिसर क्षेत्र में रहेगी। पुलिस कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, वहीं पर CCTV के सारे फुटेजेस भी लगातार टेलीकास्ट होते रहेंगे और जितने भी मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स पूरे मेले क्षेत्र में लगे हुए हैं उन सभी के बीच में आपसी समन्वय भी स्थापित किया जाएगा। एक दिन पहले 19 तारीख को नेत्रदान का भी एक धार्मिक संकल्प रहता है, उसकी भी तैयारियाँ उनको भी कराई जाएंगी। जितने भी सदस्यगण आए थे उन्होंने बीते वर्षों के अपने अनुभवों को भी साझा किया और उसके हिसाब से जो करेक्टिव मेजर्स लिए जाने हैं वह हम लोग लेते रहेंगे। तो कुल मिला के पूरी प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त तरीके से मेले के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए समर्पित है और मैं अनुरोध करता हूँ पूरे नगरवासियों के साथ, पूरे जिले रांची जिले वासियों के साथ इस मेले को सफलतापूर्वक आयोजन में अपना महत्वपूर्ण समर्पित करें। धन्यवाद। थैंक यू। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।